हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ हमारे पर स्क्रू ड्राइवर ड्रिल मशीन है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस ड्रिल मशीन को हम रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब हम ड्रिल मशीन को चलाते हैं और हम चक को हाथ से पकड़ लेते हैं तो हमारा चक रुक जाता है, लेकिन हमारी मशीन चलती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर का गियर जो हमारा है वो ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों, हम इसको हम चेंज करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसको हमने ज़मीन में रखा लेकिन हमारा ये रुक गया और हमारी मशीन चलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस चक के अंदर एक स्क्रू है, तो इस स्क्रू को हम दोस्तों खोल लेंगे स्टार स्क्रू ड्राइवर से। फिर यहाँ पर स्क्रू लगे हैं, इस सबको खोल लेंगे स्क्रू, फिर इस कवर को हम दोस्तों हटा देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये अभी हमारा हट गया है और ये हमारा दोस्तों बाहर आ चुका है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हम इस चक को खोलेंगे। तो चक को खोलने के लिए दोस्तों, ये हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है और स्क्रू ड्राइवर दोस्तों हम इस गियर के अंदर लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों ये हमारा बाहर से नहीं खुल रहा था क्योंकि गियर हमारा स्लिप कर रहा था। उसके बाद दोस्तों, स्क्रू ड्राइवर को हम गियर की तरफ लगा दिए हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, हम यहाँ चक को वॉइस प्लास या मंकी प्लास इसको पकड़ कर इसको हम इस तरह घुमा देंगे। दोस्तों, ये हमारा घड़ी को उल्टा खुलता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये हमारे सामने घड़ी भी है और ये हम इसको उल्टा घुमा रहे हैं तो ये हमारा दोस्तों खुल जाएगा। दोस्तों, इस चक को हमको पहले खोलना था जब हमारी मशीन फिट थी, लेकिन दोस्तों नहीं खुला क्योंकि इसका गियर ख़राब था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये गियर है, इसका गियर ख़राब हो चुका और मार्केट में अलग से गियर नहीं मिलता, इसीलिए हमको दोस्तों यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर लगाना पड़ा, फिर हमारा चक जाके खुला। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये हमको मार्केट में पूरा ये मिल गया है। अब हम दोस्तों इसको सीधा लगा देंगे। और दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये हमारा पुराना पीस है और ये हमारे पास नया है, ये मार्केट में मिल जाता है। दोस्तों, इसका प्राइस दोस्तों 250 रुपये के आसपास मिल जाएगा आपको। लगाने से पहले दोस्तों, यहाँ पर हम ऑयल डाल देंगे। तो दोस्तों, यहाँ हमारे पास ऑयल है तो मशीन का ऑयल डाल देंगे यहाँ पर। ऑयल डालने के बाद दोस्तों, इसको हम फिट कर देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसको हम यहाँ से ऐसे करके हम फिट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, इस कवर को लगा देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों, इसको अच्छे से हम बैठा देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों, इसमें स्क्रू लगा देंगे सारे इसको, और अच्छे से इसको हम टाइट कर देंगे। अब हम दोस्तों इस चक को लगा देंगे। तो दोस्तों, ये हमारा चक लगेगा जैसे घड़ी चलती है, वैसे ही दोस्तों इसको हम घुमा देंगे तो ये हमारा टाइट हो जाएगा। तो चलिए, इस मशीन को अब हम चला कर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह हमारे नए की जैसे चलने लगी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।